राज्य शिक्षा व्यवस्थार विकल चित्र। 5 हाईस्कल बिना शिक्षक चली पाठपढ़ा, कोटे अधिक व्यय स्कूल विकास पर भी नहांती शिक्षक। मयूरभंज और कोरापुटे शिक्षा विभाग चरम अवहेलार चित्र। छातर गलुची पा स्कूल बारंडार छात्र छात्री छात्र छात्री प्रति आखि बुझी कि शिक्षा विभाग नामक मात्र 5 हाईस्कल पाठ पढ़ाई नहांती शिक्षक। बालेश्वर कसीपदा पंचायत हाईस्कल रूपांतर काम खर्च हो पखापाखि 1,08,00,000 टंका। 2 बिल्डिंग स्मार्ट क्लासरूम विज्ञान परीक्षागार शौचालय सभामंच खेल पड़िया फाटक सबू अच्छी किंतु बिना शिक्षक पढ़ुं 228 जन छात्र छात्री। गत जून रु 9 जन शिक्षक अवसर नेबापर नुआ शिक्षक निजुक्ति दिया जाई नाही। बारंबार अभियोग परे जिला शिक्षा विभाग अन्य स्कूल रु 4 जन शिक्षक को डेपुटेशन रे आनिबा पई चिट्ठी करितिला। सेमानंक मध्यरु 2 जन शिक्षक पाठ पढ़ाइबा को आसुथुवा बेले अन्य 2 जन आदौ आसुनाहंती। जेउ 2 जन आसुछंती सेमाने 20 सप्ताह रे सबु दिन आसुनाहंती। गुणात्मक शिक्षा पई सरकार कोटिए रु अधिक टंका खर्च करी हाई स्कूल रा रूप रंग बदलाइतिले, अथच शिक्षा दान पई शिक्षक पद पूरण करि पारिलेनी। एहा ही सबुठारु बड़ विडंबना बोली कहिछंती ग्रामवासी। स्मार्ट क्लास नुहे बरंग पाठ पढ़ाइबा को शिक्षक देवा पई अनुरोध करिछंती छात्र छात्री। आम स्कूल 5 अंतर्भुक्त हो सारे सरकार आम स्कूल 5 कर सारे आम पाखे सब टेबुल चेयर लाइब्रेरी सब अवेलेबल अच्छे आम यार यूटिलाइज भलसे केवल टीचर नहांती बोले तो आम पाई टीचर नथिबाटा गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम। सरकार आमको टीचर शीघ्र दिं। आमर गत जून मासरे आमर समस्त शिक्षक एठारु अवसर ग्रहण कले परवर्ती समय रे जेतु एटी पिला माने एडमिशन करथिले 228 जन पिला सेमानकर भविष्यत को लक्ष्य करी जेतु गवर्नमेंट तरफ कोनोसी टीचरंकर एठारे पोस्टिंग नाही तेणु आमे 2-3 जन पुरातन छात्र छात्री मिसी एटी पिला मानको शिक्षा दान करूछु। जेहेतु सेठा सबू टीचर्स रिटायर हो गले और गोटे इंपोर्टेंट स्कूल अच्छी से आम से 4 टीचर्स डिप्लॉयमेंट ऑर्डर करिछु से भितर 2 जॉइन होती और गोटे जो अच्छा से फुल टाइम से पार ना तो से भी हाफ टाइम अच्छा और सेठी जिते बड़े आमको आमर सेठीर जो पास आउट स्टूडेंट अच्छा से वॉलंटरी हिसाब से कहले कि आम भी कि वॉलंटरी हिसाब से ये करवाक चाहूँ तो से आम भी अलाउ कराई। सेपटे सामना को आसी मयूरभंज जिला करंजिया शिक्षा व्यवस्था दयनीय चित्र। श्रेणीगृह छात्र गलुची पा बारंडार चली क्लास। चित्रपुषी उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रथम रु 8 श्रेणी में 97 जन पिला पाठ पढ़ुवा बेले मात्र 4 जन शिक्षक चली स्कूल। मात्र 3 श्रेणीगृह पिला पाठ पढ़ुंट। फनी बात्यार श्रेणीगृह छपर उड़ी जाता बेले आज पर्यंत ता मरामती हो पारिना। विद्यालय नूतन गृह निर्माण पर ग्रामवासी और अभिभावक विडीओ निकटने अभोग करते कर्तृपक्ष स्कूल प्रति दृष्टि दे अभोग को आम जलईचु भी तो ताद्वे आम हाथ तो किसी नहीं आज्ञा जहाँ हम उपर जहाँ करेंगे तो जल्दी जल्दी सरकार से मन को नहीं जल्दी करदे छुआ मैंने जो हरा होती बाहर बस थंडार लज्जार कथा आउ दुख भी लगुच आज छुआ मैंने जो स्कूल गृह ना आकल सब भांगि कि पड़ी तो छुआ मान को दुख लगुच छुआ मैंने स्कूल को माँ बापा मैंने छाड़ दौंस पाठ पढ़ापी किंतु से माने बारंडार आज पाठ पढ़ी जाऊँगी बहुत लज्जार कथा। कोरापुटे मध्य समान दुर्दशा सामना करुछंती छात्र छात्री। कुंदुरा ब्लॉक मिसिगा पंचायत सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रथम रु 8 श्रेणी छात्र छात्री रही मात्र 3 श्रेणीगृह। वर्षा हेले छातरु पानी गळुछि विद्यालय 123 जन छात्र छात्री पढ़ुंट किंतु सबु देखि मध्य प्रशासन चुप। ग्रामवासी एवं विद्यालय कमिटी स्थानीय प्रशासन निकट रे बारंबार अभियोग करिबा पर मध्य फल सुन रही। बारणार तो सर रूम तो बहुत किछि गदर जईकिना आउछि सर बहुत दिन हेलाणी सर सेति पै बारणार बसकिना पडुछन सर काग जणैछन सर पंचायत को जणैतलु सर सरपंच को कोनोसी प्रकार निष्पत्ति हेला नै सर। 3 क्लासरूम माने भांगी रोजी गलाणी पिल्ला माने बाहर क्लासरूम करछन्ति और व्यवस्था किसी ना अन्य पक्ष देखिए भल भल स्कूल जाकने चून मारिक 5 ना कोटि कोटि टंका मान बर्बाद करूँ जो दरकार जो जगह स्कूल बिल्कुल नहीं क्लासरूम नहीं जो जगह पिला हरा बाहर पाठ पढ़ुपाई कौन सी उचित व्यवस्था आज पर्यटन हो पारना।
गुणात्मक शिक्षा प्रदान पर सरकार कोटि कोटि टंका खर्च करुछंती। ग्राउंड रे वास्तव स्थिति किंतु पूरा अलोटा, किंतु बदलनी शिक्षा व्यवस्था। केउठी मौलिक आवश्यकता भूली जाई शिक्षा विभाग केवल देखाणिया भावे स्कूल विकास रे कोटि कोटि टंका खर्च करुछंती, तो आउ केउठी जराजीर्ण श्रेणीगृह रे पाठ पढ़ुतबा छात्र छात्रिंक उपरे नजर पड़ुनी। केबे भांगिबो राज्य सरकारक कुंभकर्ण निद्रा? बालेश्वरु प्रकाश करंजियारु बिंदुसार दास ओ कुंदुरारु वीरकिशोर शर्मा को रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।